इस दीपावली रहे तैयार मां लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार लेकर सुख समृद्धि कीर्ति वैभव अपार दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव अशांति कलेश को नहीं मिटा सकती जी हाँ मिटा सकता है यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए गुरु का सहयोग मिल जाए दिव्य शक्तियों का प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि शांति सुख सफलता पूरे वर्ष भर इस कलश में समावेश है सत्ताईस विलक्षण सामग्रियों का इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्म कांडी पंडितों द्वारा ताकि आपको मिले अथाह धन यश कीर्ति वैभव तो देर किस बात की एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले माँ लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा ही होने लगे तो आपके हाथों की लकीरें बुरा मान सकती हैं देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है शुरुआत करते हैं पंचांग से तो तारीख बाईस अक्टूबर दो है और दिन मंगलवार का है आज के विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं उन सात उपायों की जो आपको माला माल बना सकते हैं इस दीपावली से पहले अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इसका फायदा उठाना जरूरी है बात करते हैं पंचांग की दिसंबर तो दो हजार का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है षष्ठी तिथि रहेगी आद्रा नक्षत्र रहेगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं राहु काल की अगर बात कही जाए तो दोपहर के तीन बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा जो है सुबह ग्यारह बजकर के चौदह मिनट से दो बजकर के चौदह मिनट तक पश्चिम दिशा में यात्रा शुभ रहेगी तो उत्तर और वायव्य वायव्य को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट तो इन दो दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो संख्या दाम युग धरोधरा युग वरिष्ठ युग शकट युग काहल युग पामर युग शंख योग नीज भंग राजयोग और वचन चोर भीति योग का आपको साथ मिलने वाला है जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और लक्ष्मी माता का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं और झूठ नहीं कहा कि पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करें यह प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया देखा जाए तो अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश अब सभी लोगों तक पहुंचा दिया गया है जिन्होंने भी इसका आदेश दिया था लक्ष्मी विनायक कलश अभी भी जो सीमित संख्या में बनाए गए थे वो हैं और अगर इस दीपावली के महापूजन पर आप भी लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी विनायक कलश में वो सभी सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं स्थिर होती हैं कहा जाता है कि लक्ष्मी एक शक्ति है और इसे श्रद्धा से सवारा जा सकता है तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं आपका अधिकार भी है बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की फलकी और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं अधिमित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में थरी वन डॉट्स सिचुएशन हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव है गाड़ी फिफ्थ गेयर में लग चुकी है रास्ता खुला है अब ऐसे समय में शिकायत नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करनी है यहां पर चाहे सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की बात कही जाए तो यह अवश्य मिलने वाली है पराक्रम में वृद्धि जिसे कहा जाता है उसकी प्राप्ति यहां पर होने वाली है ऐसे समय में लक का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा चाहे हम वाइज रिकवरी की बात कहें अपने किसी काम में अड़चने ज्यादा आ रही थी उससे राहत की बात कहें तो यहां पर जरूर मिलने वाली है नौकरी पेशा इंसान है तो आपको खास तौर पे कहूंगा दीपावली आने वाली है और गोल्स को जो आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो आज के दिन अपने आप को झोंक दीजिए पॉसिबिलिटी है कि एक ही दिन में आज आप अपने गोल्स को अपने टारगेट्स को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेंगे अब आगे ऐसे ही समय में नौकरी पेशा की जगह व्यापारी वर्ग जो है आप खास तौर पे जो फंड्स आपके पास में उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो मार्केट में लगाने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आने वाला है संतान के साथ में भी इस समय में लगाव बढ़ने वाला है इमोशनल कनेक्शन है इमोशनल बॉन्डिंग है वो इस समय में फैमिली के साथ में स्ट्रांग होती नजर आएगी यहीं पर गृहिणी है तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुखी समय रहने वाला है जो आप यहाँ पे निर्देश देंगे जो आप आदेश देंगे वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा जिस चीज की रिक्वायरमेंट कहेंगे वो यहाँ पर पलक झपकते ही स्वीकार कर ली जाएगी काम कर दिया जाएगा तो ऐसे समय में दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे और शुभ अंक रहेगा नंबर सिक्स फिर बात करते हैं वृषभ राशि की सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं साधक तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70 परसेंट तक सपोर्टिव है चिंता की बात नहीं है पर यह जरूर है कि कुछ कंफ्यूजन हावी है कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय लेना जो है वहाँ पर अटक रहे हैं बिना बात के लोगों से उलझ रहे हैं चाहे हम गृहिणी की बात कहें तो घर परिवार के साथ में उलझना व्यापारी और नौकरी पेशा की बात कहें तो बाहर मार्केट में लोगों से उलझना तो इससे कहीं ना कहीं जो मेंटल पीस है वो गुम हो सकता है ज्यादा ऐसे समय में एक बात का ध्यान देने की जरूरत एक जगह पर पड़ेगी कि कोई भी रिजल्ट जो सामने आ रहा है जो आपने काम किया है उसका यहां पर अगर रिजल्ट आपको दिया जा रहा है या खासतौर पे यह कहा जा रहा है कि जो दे रहा हूं उतना लेकर के आप इस काम से फ्री हो जाइए तो ये यह यहां पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको सेटलमेंट कहा जाता है सेटलमेंट हमें यहां पर नहीं करना है काफी चीजों को लेकर डिससेटिस्फैक्शन होने शुरू हो सकते हैं यहीं पर घर परिवार की भी अगर बात करें तो बच्चों को लेकर के खास तौर पे ऐसे समय में चिंता सता सकती है उनके कैरियर को लेकर उनकी हेल्थ को लेकर उनके फ्रेंड सर्कल्स को लेकर तो वहां पर बैठ करके चर्चा करना जरूरी हो सकता है यहीं पर स्टूडेंट्स हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में दूसरों के कहे कहे कोई कोर्स के अंदर अगर एनरोल कर रहे हो दूसरों के कहे कहीं क्लास अटेंड कर रहे हो दूसरों के कहे कहीं पैसा लगा करके इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो मत कीजिएगा बुरी तरीके से फंस जाओगे या खास तौर पे कहा जाए जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाएगा वो हिला दिया जाएगा और यहां पे यही कोशिश की जा रही है कि जो आप स्पीड में चल रहे हो स्पीड को कैसे तोड़ा जाए तो उसके लिए यहां पर आपके लिए फील्डिंग सेट की जा रही है शुभ रंग रहेगा यहां पर प्योर वाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री फिर बात करते हैं मिथुन राशि की तो राशि भाव में ही चंद्रमा है शेम तारा का साथ है अष्टक वर्ग में ट्वेंटी सेवन डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव है कहा जाता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कहा जाता है ये इंग्लिश में मतलब क्या है कि किसी भी चीज की जो अहमियत है या फिर उसकी जो क्वालिटी है उसकी जो खासियत है वो ज्यादा है ज्यादा लोगों को ज्यादा भीड़ को जमा करने से कुछ नहीं होगा कुछ ऐसे लोग हो जो हर स्थिति में साथ निभा दें वो जरूरी है और यहां पे यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है दोस्त कम हैं पर ऐसे हैं जो हजारों की संख्या में जो काम होते हैं वो तीन चार दोस्त करवा देते हैं ऐसे ही समय में उनके आदेश अनुसार या उनके एडवाइस के साथ में अगर चलोगे तो चाहे लग्जरी की बात कही जाए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जाए शानदार कमाई की बात कही जाए सब कुछ मिल सकता है खास तौर पे ये चीज़ यहां पे कहूंगा चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा अगर ऐसे दोस्त आपके पास में हैं जो आपका हित चाहते हैं आपके लिए भला चाहते हैं उनकी बातों को जरूर सुनिएगा कहीं ना कहीं आपके लिए कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए यहां पर बहुत ही अच्छे चांसेस वो डेवलप करवा सकते हैं यहीं पे उधारी जो है उधारी भी चुत्ता हो सकती है वाहन का सुख मिल सकता है सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस जो इस समय में मिलने वाला है कॉन्फिडेंस इस समय में सबसे ज्यादा बेहतरीन चमत्कार करके दिखा सकता है कई ऐसी जगहों पर जहां पर जाने से पैर डगमगा जाते थे कतराते थे आप वहीं पर आज के दिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे और अपना काम पूरा करके आएंगे फिर वो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो यहीं पर ग्रे कलर स्लेटी ग्रे कलर जिसे कहा जाता है अगर उसका उपयोग करें तो बहुत शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर सिक्स फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है मित्र तारा का साथ है अष्टक वर्ग मिठरी टू डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कहेंगे कि 67 परसेंट सपोर्टिव है 67 से 75 परसेंट भी हम मान सकते हैं पर ये डिपेंड करेगा कि हमारा माइंडसेट क्या है हम किस तरीके की प्रवृत्ति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लालच प्रवृत्ति के साथ में आगे बढ़ोगे तो, तो यहाँ पर चोट खाओगे ही खाओगे नुकसान अपना करोगे ही पर अगर इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दिया जाए कि सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट कर देता हूं कहीं कुछ दान कर देता हूं कहीं किसी का कुछ भला कर देता हूं किसी के लिए मददगार सिद्ध हो जाता हूं तो फायदेमंद स्थिति है यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आप शिकायतें बहुत कर रहे होंगे कि घर के अंदर कोई बात नहीं सुनता सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं खर्चे बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो यहां पर कहने से ज्यादा बेहतर है अपने कदम पीछे हटा लीजिए कोई भी पैसा मांग रहा है नहीं है इतना सा काम करके देखेंगे अपने आप सबके सब वापस लाइन में आना शुरू कर देंगे यहां पे व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा इंसान है आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्च जो है वो सीमाओं से बहुत आगे जा सकते हैं ध्यान रखिए अपने हाथों पर कंट्रोल रखिए अपनी डिमांड्स पर कंट्रोल रखिए कोई कुछ भी कह देता है पैसा आप देने को तैयार है इससे ज्यादा बेहतर है मार्केट में निकलिए थोड़ा पसीना बहाइए पता कीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है कोई जुगाड़ हो सकता है जिससे काम चल जाए तो वो भी यहां पर आपके लिए ज्यादा बेटर होगा ऐसे समय में मन कटा हुआ ज्यादा रहने वाला है चाहे परिवार से कहें या फिर दोस्तों से कहें मिलने तो चले गए हैं बैठ भी गए हैं साथ में पर कोई भी बात कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है कुछ खाना आ रहा है तो उसको खाने की इच्छा नहीं है बस दूसरों से इस समय में साथ में कंपनी मिल रही है उसमें इनपुट कुछ नहीं ये चीज की परेशानी सबसे ज्यादा आने वाली है लोग बार बार पिन पॉइंट भी करेंगे इस चीज को शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर शुभ अंक रहेगा नंबर वन फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में लेवेंथ हाउस में वध तारा का साथ अवश्य है पर अष्टक वर्ग में थर्टी थ्री डॉट्स होने सेवेंटी फाइव परसेंट हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल जाएगी थोड़ा रिस्क उठा लेंगे तो फायदा हो जाएगा ऐसे समय में थोड़ा एडवेंचरस आप ज्यादा रहेंगे चाहे रोमांस और रोमांच की बात हो या फिर अपने काम को लेकर के रिस्क लेने की बात हो तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर भी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं चाहे वो मेहमानों के आने के कारण आज साज सज्जा का सामान खरीद करके घर को सजा दिया गया हो विवाह संबंध घर के अंदर बच्चों के तय होने वाले हों कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो तो ये सभी चीज़ों को लेकर इस पॉजिटिविटी को लेकर के खास तौर पे घर के अंदर फेरबदल पॉजिटिविटी के लिए होने वाले हैं स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा तो ऐसे ही समय में अपने कंपटीशन पे जिसे हम कहते हैं कि अपने नाखून गढ़ा देते हैं वो देखने को मिल सकता है कि कंट्रोल उनके ऊपर पूरा है वो कुछ भी करें हमें पहले से मालूम है कि इसकी क्या यहाँ पर चाल होने वाली है और उसी अनुसार हम अपना रास्ता बनाते हैं तो फायदा तो मिलेगा ही और इस फायदे के साथ में सामने वाले को सेटिस्फैक्शन भी होता रहेगा कि शायद मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है और उसके अंदर टोटल कंट्रोल में आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे फ़ायदा अच्छा कमा रहे हैं यहाँ खास तौर पे अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करके पैसा कमाने की बात हो तो आपके लिए शानदार तरीके से यहां पे अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती हैं खास तौर पे अगर जॉब सर्च के लिए आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो आपको यहां पे फायदा जरूर मिल सकता है शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर शुभ अंक रहेगा नंबर एट फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए इस राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं टेंथ हाउस में शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग अष्टकर्मी ट्वेंटी देखें हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव है दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में जहां पर जाओगे सफलता पाओगे जहां पर जाओगे यहां पर प्रशंसा प्राप्त करोगे नई प्लानिंग्स को इस समय में जन्म दे पाओगे क्रिएटिव ज्यादा होगे और क्रिएटिव फील्ड से अगर जुड़े हो यहां पे कहा जाए कंटेंट राइटर हो कंटेंट क्रिएटर हो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हो तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा इससे आपको मिल सकता है और खासतौर पर यह भी कहूंगा कि अटका हुआ पैसा जो है वो इस समय में आसानी से मिल जाएगा काफ़ी जगहों पर देखने को मिलता है किसी रिश्तेदार को दे दिया है उसके साथ में दूसरे तरीके से बात कही नहीं जा सकती बड़े प्रेम पूर्वक ही बात करते हैं और सामने वाला देने से हर बार टाल ही देता है बात को तो आज के दिन थोड़ा सा अपनी टेक्निक में चेंज लाना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कि खरी खोटी सुनाना होता है ठोला मारना होता है वो सभी चीज़ें यहाँ पर अगर करोगे तो शायद से पैसा कुछ हद तक निकल भी जाएगा फिर वो शर्म के मारे ही क्यों ना दे और यहाँ पर सामने वाले के ईगो पे अगर वार कर दी तो तो पूरा पैसा आने वाला है ऐसे ही समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आज के दिन घर में लेने वाले हैं जिसके अंदर आपकी यहां पे भूमिका सबसे अहम होगी नौकरी में भी इस समय में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे खास तौर पे ऐसे समय में कोई बड़ा काम अगर कर रहे हैं तो बड़े काम के अंदर यहां पर लोगों का साथ समर्थन कहा जाए टीम का यहां पर सपोर्ट कहा जाए सीनियर्स की यहां पर एडवाइस कही जाए सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुभ अंक रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं तुला राशि की तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नाइन्थ हाउस में साधक तारा का साथ अष्टक वर्मी ट्वेंटी सेवन डॉट्स देखें तो सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट यहां पर हमें सपोर्ट मिल रहा है पर ऐसे समय में दुर्भाग्यवश पूर्ण कहेंगे भाग्य का क्योंकि साथ नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्यवश पूर्ण ही हुआ ये बेकार के कामों में उलझ जाओगे चाहे एक अच्छा इंसान शराबी के साथ में खड़ा हो जाए तो शराबी की गिनती में ही आ जाता है गलत जगह पर घूमना शुरू कर दे तो लोगों की मानसिकता यही हो जाती कि गलत काम करता होगा और यहां पर यही परेशानी है कि काम से अपने निकले हैं पर गलत जगह पर काम रह रहा है तो उस कारण से छवि जो है वो यहां पर खराब हो सकती है ऐसे ही समय में मन काफी ज्यादा अशांत रहेगा काफी चीजों को लेकर के घबराहट मन में बनी रहेगी ऐसे समय में तौर पे ये कहूंगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई नोटिस का जवाब देना है कोई टैक्स भरने के अंदर देरी हुई है तो उसका यहां पर भुगतान बड़ा बन सकता है काम यहां पर बड़ी आसानी से नहीं होने वाले हैं एडी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा काम निश्चित तौर पर पूरे जरूर होंगे पर जोर बहुत लगेगा जहां पर आसानी से काम हो जाता था कहने भर से कि अरे मेरा ही काम कर देना दो सेकंड में हो गया काम आपका तो आज के दिन उसी इंसान को काम कर रहे हैं हाँ सर ट्राई करता हूं अरे सर आप बाद में मुझे कॉल करना इस तरीके से लटकाए जा सकते हो यहां पर थोड़ा स्टर्न होकर थोड़ा कठोर होकर के अपने यहां पर काम करवाने की जरूरत पड़ने वाली है अपने टीम मेंबर्स हैं अपने स्टाफ मेंबर्स हैं उन पे भी इस समय में पूरी तरीके से नजर रखिएगा कि कौन क्या करता है कौन किस तरीके से आपके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कई लोगों का खुद का एटीट्यूड आपके काम को खराब कर सकता है शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फोर फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में एटथ हाउस में अधिमित्र तारा का साथ है अष्टक वर्ग में ट्वेंटी फोर डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम कहेंगे कि यहां पर सिक्सटी सेवन परसेंट सपोर्टिव है पर एट हाउस का चंद्रमा मेंटली और फिजिकली दोनों ही कष्टकारक बन सकता है खासतौर पर वायरल फीवर की बात कही जाए ऐसे समय में थकान कमजोरी ज्यादा कही जाए ब्लड प्रेशर की समस्या यहां पे ज्यादा होनी शुरू कर दे तो इन चीजों से यहां पर परेशानी जरूर आ सकती है एक चीज का और हमें ध्यान देना है घर के अंदर अगर किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ा कलेश बन रहा है तो उस आग में घी डालने से बचना है कहीं पे अगर बार बार आपको कहा जाता है कि नहीं तुम अपनी बात बताओ तुम बताओ कि कौन सही कौन गलत हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा साइड ले ली किसी की भी या कुछ भी कहने का प्रयास किया तो किसी ना किसी से तो दुश्मनी मूल ले ही लोगे ऐसे समय में गृहिणी जो है आपको भी ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं संबंध तनाव वाले बन सकते हैं आपकी कोई कही बात जो है उसको लेकर के और ज्यादा बड़ी अफवाह या ये कहा जाए कि और बड़ा एक पहाड़ बन सकता है जो आपको ही उठाना पड़ेगा ऐसे समय में नशे आदि से दूर रहना है मांसाहारी भोजन से दूर रहना है और खास तौर पे एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है बिजनेस करते समय व्यापारी हो नौकरी पेशा हो काम जब करते हो कर्म जब करते हो एक बात का ध्यान रखना होगा कि वहां पर कोई भी चीज को इजीली जो हम पुश फॉरवर्ड करते हैं किसी ने कुछ कह दिया हाँ ठीक है काम हो जाएगा आगे बढ़ा दिया कोई फंड था हमने ट्रांसफर कर दिया ये करने से इस समय में परहेज करना होगा दूसरों को पैसा देना जो है उधार पे उससे आज के दिन परहेज करना होगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुभ अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं धनु राशि की तो आपके लिए सेवंथ हाउस में चंद्रमा है संपत तारा के साथ अष्टक वर्ग में थर्टी वन डॉट से हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव सिचुएशन है और खास तौर पे पॉजिटिविटी की सबसे ज्यादा फायदा जो है यंगस्टर्स को मिलने वाला है जो फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं जर्मनी जाना चाहते हो यूरोप जाना चाहते हो चाइना जाना चाहते हो तो वहां के लिए लैंग्वेजेस के एग्जाम देने जो हैं वो इस समय में आपके पास आप कर पाओगे ऐसे समय में जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड किए हुए हैं उसको एक्सेप्टेंस को लेकर के यहाँ पे मेल आपको आ सकता है सुख सुविधाएं यहाँ पे बढ़ने वाली हैं घर परिवार के अंदर इस समय में खुशियों का माहौल बढ़ने वाला है अगर मैरिड हैं तो ये मान करके चलिएगा कि इस समय में मैरिज के अंदर भी रोमांस और रोमांच जो है वो बढ़ने वाला है किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्लान जो है वो यहाँ पर आपका बनने वाला है फिर वो चाहे घूमने को लेकर के हो या फिर किसी शॉपिंग को लेकर के हो देन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है चिंता यहां पे करनी नहीं वर्कलोड भी कम है स्ट्रेस यहां पे लेना नहीं है तो अपने आप ऑटोमेशन पे जो काम चलने वाली चीज होती है कि स्टाफ अपने आप काम संभाल रहा है आप बस वहां पे प्रेजेंट हैं उससे ही काम पूरा ठीक है तो वही चीज यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है ऐसे समय में अगर अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हो या खासतौर पर कहा जाए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के यहां पर अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले तो आगे जरूर बढ़ जाइएगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फाइव फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं सिक्स हाउस में अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं जो ज्यादा सपोर्टिव नहीं हो सकते पर विपत तारा नेगेटिव है अब सिक्स हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा भी नहीं है काम चलने वाला है पर चलने के अंदर परेशानी नहीं आएगी ये सिचुएशन 40-45 परसेंट हमारे लिए पॉजिटिव है और ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है कि बिना बात की उधारी इस समय में नहीं करनी खासतौर पर देने की जब बात होती है उधार तो नहीं करना है ऐसे समय में उलझना नहीं है लोगों से किसी भी बात को लेकर के अगर यहाँ पे चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है जहाँ पे पैसा इन्वाल्वड है या तो फिर दोस्तों के बीच में बैठे हो और घूमने को लेकर के प्लानिंग हो रही है और आप अपनी गर्दन बस हिलाए जा रहे हो परहेज कीजिएगा परेशानियां खुद अपने मोल लेने वाली बात हो जाएगी ऐसे ही समय में अगर यंगस्टर्स हैं एग्जाम देने जा रहे हैं जब तक बहुत श्योर नहीं हो अपने एग्जाम को लेके कि नहीं मेरी मेहनत जो है वो सबसे अव्वल है सबसे बेहतर किया हूं अपने फ्रेंड सर्कल से ही नहीं बल्कि अपने बैचमेट से भी तो फिर आगे बढ़ जाइएगा एग्जाम देने के लिए पर अगर इस बात की श्योरिटी नहीं है तो यहां पर एग्जाम देना है एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भरनी है मत कीजिएगा पैसा भी जाएगा एफर्ट भी लगेंगे उसके बाद में फायदा भी नहीं मिल पाएगा ऐसे समय में धन लाभ तो होगा पर सामने खर्चे भी पहले से ही बने हुएंगे कोई ना कोई तरीके से कोई चाहे लोन की कोई किस्त चुकाने की बात है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है तो इन चीजों को लेकर के जैसे ही कमाई हाथ में आ रही है उसके साथ में खर्च पहले से ही बंद जाएंगे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं कुंभ राशि की तो आपके लिए फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है विपत तारा का साथ है अष्टक वर्ग में थर्टी डॉट्स है थर्टी थ्री परसेंट सपोर्ट दे देंगे पर यहां पर थर्टी थ्री परसेंट सपोर्ट का मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है यहां से काम करोगे तो डूबना है यहां से काम करोगे यहां से सोच के चलोगे तो शायद से नाव पार लग जाए चतुराई है चालाकी है चाणक्य नीति है इन चीजों को ध्यान में रखना है लोग बड़े अच्छे बनकर के पास में आएंगे खास तौर पे महिलाएं हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा दुकान पे जाते हैं दुकान वाले ने कहा कि अरे भाभी जी बस आपके लिए ही मंगवाया है ये समझ जाइएगा कि यहां पर लंबा खर्चा होगा क्योंकि ऐसे समय में दस की चीज को सौ का बना करके आपको दिया जा रहा है और इसी कारण से घर परिवार वाले भी परेशान होंगे यहां पर इस बात का ध्यान देना है चाहे ऑफिस में हो चाहे नौकरी करते हो चाहे खुद का व्यापार करते हो आसपास के लोग जो हैं वो सामान चिपकाने की प्रयास कर सकते हैं चिप आप समझते होंगे कि क्या होता है ये मैं आशा तो करता हूं कि आप समझते होंगे इस चीज़ को तो ऐसे में थोड़ी चालाकी रखनी है थोड़ा इस बात को टालना है इस समय में अगर क्योंकि खरीद लिया कोई भी ऐसा सामान चाहे वो दीवा दीपावली को लेकर के ही क्यों ना हो कि दीपावली से संबंधित सामग्री है जिसको खरीदना यहाँ पर ज़रूरी है फिर इसको मैं बेचूंगा तो इससे इस समय में परहेज़ कीजिएगा कि बिना बात ही महंगा खरीदोगे इस बात का ध्यान रखना है यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के बीच में बैठ तो जरूर रहे हो पर चने के झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हो थोड़ा संभल जाइए थोड़ा समझ जाइए और उनकी बातों से दूरी बना लीजिए बेहतर रहेगा सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फोर फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है संपत्त तारा का साथ अष्ट वर्ग में थर्टी डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन देखें सेवेंटी परसेंट यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है घर परिवार के साथ में सिचुएशन फेवरेबल नहीं है परेशान किए जाओगे कोई ना कोई ऐसी बात कह बैठोगे जिसके कारण घर परिवार का मूड जो है माहौल जो है वो खराब हो जाए किसी ऐसी बात को यहाँ पर वापस से उभार दोगे कहा जाता है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं वही चीज़ यहाँ पे करते नजर आओगे जिसके कारण घर परिवार वाले ज़्यादा परेशान होंगे खुद भी इमोशनली टॉर्चरस टाइम से गुजर रहे हो डिप्रेसिव थाट से गुजर रहे हो जो चाहते हो वैसा काम हो नहीं पा रहा तो इन सभी चीजों को लेकर के एक स्ट्रेस फैक्टर तो बन ही रहा है पर कोशिश यही करनी है कि बैकफुट पे रह करके अपना अगर काम कर सकते हैं चाहे कमाई के लिए हो यहां पे कोई डीलिंग की साइन होने वाली हो प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई काम हो तो बैकफुट पे रह करके काम करवा लीजिए यानी कि पर्दे के पीछे रह करके जो प्ले करवाते हैं तो उसका यहां पे प्रयास करोगे तो फिर भी दिन निकल सकता है फायदा कमा सकते हो पर अगर खुद सामने जाने वाले हो तो मान करके चलिएगा कि कहना कुछ था कह कुछ गए यहां पे सामने वाला कुछ कह रहा है आपका ईगो प्रचंड है और आपने वापस से कुछ कह दिया उस इंसान को जो डील हो सकती थी वो अब नहीं होगी जो आपने पूरी मेहनत की है उसको शून्य पे लाकर के खड़ा कर दिया जाएगा दूसरा एजेंट जिसने मेहनत की ही नहीं है शून्य पे था वो सौ पर आ जाएगा इस बात का ध्यान रखना है और तौर पे ईगो को इस समय में बंद डब्बे में रखना है शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर नाइन ये तो हुई बात आज के राशि फल की अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की यानी कि सात ऐसे उपाय जो आपको माला माल कर सकते हैं कड़ी मेहनत के बाद में भी आपके पैसों की कमी दूर नहीं होती हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि एक हादसा आया दूसरे से फिसल गया और उसके बाद में जब खर्च करने की बारी आती है अपनी सुविधाओं पर तो पैसा होता ही नहीं है तो कुछ उपाय हैं और इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है माना जाता है कि लक्ष्मी शास्त्र में के उपाय बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू करते थे यदि आप भी ये उपाय करें तो निश्चित ही लाभ जरूर मिलता है बस बात यही है कि विश्वास और श्रद्धा रखनी होती है इंसान अगर भगवान को टेस्ट करना शुरू करे उनका एग्ज़ाम लेना शुरू करे तो ऐसे में जहां खड़ा है वहीं का वहीं खड़ा रह सकता है भगवान उसको अपनी अनुभूति का एहसास नहीं करवाते पर जिस दिन वो उसमें लीन हो गया भक्ति भाव उसमें आ गया जिस दिन श्रद्धा आ गई कि सब कुछ उसके कहने से ही चलता है तब उसको असर उसका प्रभाव देखने को मिलता है अब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो करने से पहले ये विश्वास खुद को दिलाना है कि ये उपाय करूं तो मुझे मेरा फल जरूर मिल सकता है तभी उपाय को करने का कोई महत्व है वरना तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसे अनपढ़ के हाथ में किताब अंधे की आंखों पर ऐनक और नास्तिक के लिए भगवान उपाय बता रहा हूं बड़े ही ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके माध्यम से हर कार्य में सफलता आपको मिल सकती है किसी भी सप्ताह के रविवार को एक ग्लास दूध का लेना है और ये विशेष उपाय करेंगे तो पैसों का सुख प्राप्त हो सकता है ये विशेष उपाय करने के लिए आपको रविवार की रात को सोते समय एक ग्लास में दूध भर के अपने सिर के पास में सिरहाने की तरफ सावधानी से रख करके सोना है इसके लिए ध्यान रखें कि नींद में दूध बिखरना नहीं चाहिए है सुबह उठ करके सबसे पहले इस दूध को किसी बबूल के कीकर के पेड़ की जड़ में आप डाल करके आ जाइए बाद में हर रोज जो अपना काम करते हैं स्नान करते हैं वो सभी काम सामान्य तौर पे करते रहिए ये हर रविवार को कीजिएगा दूध रख करके सोमवार को बबूल या तो फिर कीकर के पेड़ में हम जड़ में डाल देंगे तो इससे आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा फिर दूसरा उपाय माला माल होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बुधवार को यह विशेष उपाय कर ले। उपाय के अनुसार बुधवार के दिन सात साबुत कौड़ियां लेनी है उसके साथ ही एक मुठ्ठी हरे खड़े मूंग लेने हैं दोनों का एक हरे कपड़े में बांध करके किसी भी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप रख करके आ जाइए ध्यान रखिएगा कि इस बात को किसी को बताना नहीं है वरना उपाय जो है वो कोई काम नहीं करेगा उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा अगर आप भी अपने जीवन में आ रही नेगेटिविटी जो है नकारात्मक शक्ति जो है उसका असर खत्म करना चाहते हैं कार्य व्यवसाय में सफलता और ज़्यादा आर्थिक मंदी से राहत चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना है आपको अपनी मेहनत का सही फल ज़रूर मिलेगा और ये विशेष उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए तीसरा उपाय यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं ईमानदारी से मेहनत करते हो लोग कहते हैं कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है पर ईमानदार इंसान कभी बेईमानी कर नहीं सकता तो ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो किसी भी सोमवार को एक उपाय करना है उपाय के अनुसार सोमवार की रात जब चंद्र उदय हो जाए तो उसके बाद में अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील जो पग होते हैं उस पर ठोक दीजिए यानी कि जो आपके बेड के पैर होते हैं चांदी की कील छोटी छोटी लगाओगे तो भी चल जाएगा कोई बड़ी कील लगाने की जरूरत नहीं है ये जो एक छोटा सा उपाय है ये लक्ष्मी कारक उपाय है और इससे आपके घर के आसपास की नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है पैसों की समस्याएं दूर हो सकती हैं चौथा अपनी मनोकामना को पूरा करना है लक्ष्मीवान बनना है तो ये उपाय जरूर करेंगे सच्चे मन से करेंगे और सफलता भी जरूर पाएंगे लक्ष्मीवान होने के लिए कच्चे दूध का एक उपाय है हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है उठने के बाद में जो आप हर रोज अपना काम करते हैं स्नान करते हैं वो सब करके फ्री होकर के पवित्र रहेंगे इसके बाद में घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे और उस समय ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे जब तक दूध चढ़ा रहे हैं तब तक इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे फिर वो चाहे ग्यारह बार ही क्यों ना हो हर सोमवार को ये उपाय करना है जो मनोकामना है उसका ध्यान करते हुए चलना है कहा जाता है कि शिव है जहां लक्ष्मी है वहां और सरल उपाय है और असरदार उपाय है लक्ष्मीवान बनना है तो ये उपाय जरूर करना है फिर बात आती है आर्थिक परेशानियों से राहत की परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हो कि फंड्स नहीं है परेशानियां बहुत है कर्जा चढ़ रखा है बाहर निकल नहीं पा रहा हूं क्या करें सप्ताह के हर गुरुवार को छोटा सा एक काम करना है इस उपाय के अनुसार हर गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहनेंगे खाने में पीले रंग की मिठाई खाएंगे इसके साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान करेंगे और पीले रंग की वस्तु जैसे पीले रंग का कपड़ा हो पीला फल हो आम हो हल्दी हो कोई भी ऐसी चीज का दान करेंगे। गुरुवार से गुरुवार हर गुरुवार को हमें यह उपाय करना है दीपावली आने वाली है और इसका जो फल है छोटे से उपाय का आपको जरूर देखने को मिलेगा और शानदार देखने को मिलेगा फिर और एक उपाय अगर कोई व्यक्ति पे कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है कर्ज उतारे नहीं उतर रहा है बोझ में दबना शुरू कर दिया है तो एक उपाय कर सेंगे ऋण की किस्तों का भुगतान मंगलवार के दिन ही करेंगे इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बुधवार और गुरुवार को किसी को भी उधार नहीं देना है इस बात का ध्यान दीजिएगा ले सकते हो उधार दे नहीं सकते तो मंगलवार का दिन ऋण की किस्तें चुकाने के लिए सबसे श्रेष्ठ बन जाता है इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप मंगलवार से मंगलवार या ये कहा जाए हर महीने के मंगलवार को ही जो सबसे फर्स्ट आती है वहां पे अगर अपना भुगतान कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी ऋण से राहत मिल सकती है जिसे कहते हैं ऋण मुक्ति वो यहां पर संभव है फिर अगर संभव हो तो हमेशा चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पीना चाहिए है। चांदी का बर्तन ना हो तो ग्लास में पानी भरें और उसमें चांदी की अगर अंगूठी है तो अंगूठी डाल दीजिए अंगूठी भी नहीं है कोई बात नहीं पतरा होता है चांदी का चांदी का सिक्का होता है वो लेकर के आ जाओ और उसको इस ग्लास में डालकर के रख दिया करो ये प्राचीन सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय बता दूं आपको कि ये सभी उपाय जो बताया हूं यह हिंदू शास्त्र के अनुसार ही बताया हूं और सात्विक उपाय बताया हूं चुपचाप बिना किसी को बताए अधिक प्रभावशाली ये उपाय है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है यह उपाय के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका हो संदेह हो मन के अंदर ऐसा लगे कि यह तो नहीं होने वाला है तो ऐसे में इस उपाय को मत कीजिएगा अगर पहले ही अपने अंदर शक पैदा हो चुका है तो फिर इसका फल मिलना असंभव है पर अगर यह विश्वास रख करके कर रहे हो कि नहीं इस उपाय को करने से मेरा भला जरूर होगा दूसरा किसी का हो ना हो मेरा तो भला जरूर होने वाला है अगर ये सोच करके चले हो तो इस उपाय को करने से फायदा आपको जरूर मिलेगा ईश्वर की कृपा जिसे कहते हैं वो प्राप्त होगी हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे संपन्न रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जय श्री राम एवं जय हिंद